Excuse me, is anybody there? Hey, क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों ऐसे बांध रखा है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? चाहिए क्या तुम लोगों को? बताओगे? कौन हो सर? बताइए ना सर, प्लीज। अगर आप चाहे तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ सर, प्लीज। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। प्लीज सर, मैं आपको स्वर्ग दिखाऊंगी, छोड़ दीजिए ना, प्लीज। अरे अरे, देखो देखो, लगता है किसी ने मार दिया की लाश। कितनी बेरहमी, मार दिया। देखो तो जरा, पीछे उसी ने किया है। ये इस महीने का सातवां मर्डर है। जैसा किया है उसका तरीका देखकर इसके पहले जो हादसे हुए हैं ये भी ठीक वैसा ही है। मैं तो बस यही कहूंगी, ही इज टू डेंजरस एंड शार्प। उसका मोटिव क्या है समझ नहीं आता। जो भी बॉडी मिलती है उसका सर गायब होता है। फाइल सी दिस। लेकिन एक बात है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है ये सब नहीं पता। मारने के स्टाइल को देखकर लगता है वेरी क्रूअल। मरने वाली हर लड़की ने मरने से पहले बचने के लिए बहुत संघर्ष किया होगा, ये बात तो पक्की है। इसलिए इस बॉडी की भी बिना पोस्टमार्टम किए रिपोर्ट दे सकती हूँ। सो आप जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा होगा, वरना ये हादसे बिना रुके इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। बी केयरफुल सर। मर्डर करने वाला वो पागल सिर्फ हिंसा करने वाला इंसान नहीं है, साइको। वो भी चोट खाया हुआ क्रूअल बन जाने वाला साइको है। आगे बहुत से हादसे होंगे और न जाने कितने बेगुनाहों को मारेगा वो, ध्यान रखिएगा।
हेलो हेलो ध्रुव, हेलो। फोन किया तूने? किसे फोन किया? ए चुप बैठ, ए चुप कर, कान चुप बैठने के लिए, ए चुप बैठ, ए चुप बैठ, नहीं तो जान से मार दूंगा। हेलो। ओए अब उठ जाओ। उठ जाऊंगा तो तुम्हें मिस कर दूंगा। ओ तो तुम मुझे मिस कर रहे हो। वैसे भी मिल नहीं सकता, सोचा कम से कम सपनों में तो तुम्हारे साथ एंजॉय करूं, तो बीच में तुम्हारा फोन कॉल आ गया। ओ अच्छा जानू। हाँ बेबी, बेबी एक बार मिस बिहेव करते हैं ना। नहीं प्लीज, थोड़ा सा दिखा दो ना। मना किया ना। ठीक है तुम फोन रख दो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ? वो पड़ोस वाले दिखाएंगे ऐसा कह रहे हैं। तुम फोन रख दो कि तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अगर फोन काट दिया ना तो तुम्हें काट डालूंगी। तो
दोबारा किसी लड़की का नाम नहीं लोगे। तो फिर तुम्हारे लिए? मेरे पास तुम होगे तो काफी है। हैंडीकैप पति भी चलेगा मेरे लिए। अरे तुम्हारी तो कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। जानू मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ। फर्स्ट से हॉलीडे है मेरी। जल्दी आओ ना बेबी, एक राउंड लगाते हैं। प्लीज बेबी। अगर इससे ज्यादा देर लगाओगी ना तो सूखा पड़ जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर मुझे अब घर से बाहर नहीं भेजेंगे ना। ये बम्पर ऑफर की मुझे क्या जरूरत है? लाइट ले लो। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? मैं घर पर कहती हूँ कि 5th को आऊंगी, बट 1st को ही ट्रिप शुरू कर दूंगी। 2nd मॉर्निंग मैं तुम्हारे पास रहूंगी। 3rd डे को हम कहीं चलते हैं। कहाँ पर चले? अर्कु चलते हैं, वही एंजॉय करते हैं। टाइम मिलेगा तो राउंड लगा लेंगे। राउंड के बारे में सोच कर ही मैं टेम्प्ट हो रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के घर पे पता चलेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। मैं खुद आऊंगी कह रही हूँ, तो तुम्हें किस बात का डर है? हर चीज में लिंग भेद करके बात मत करो यार। कब आना है? 2nd मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिखा दो ना बेबी, बहुत गैप हो गया है ना। नो, बाय। बेबी सुनो तो। बेटा खाओ ना। तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे ये लो ना, खाओ ना। तुम्हारे लिए मंगवाया है। ये बहुत अच्छा है, फटाफट खाओ। अच्छी है, बहुत टेस्टी है ये। ये लो ना, ये फोन लेकर वीडियो रिकॉर्ड कर। कौन सा वीडियो यार? दीक्षा आ रही है, दोनों प्रेमी इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो इमोशंस कितने बढ़िया होंगे, सब कैप्चर करना। सब कैप्चर करो इमोशंस। अरे तेरा और दीक्षा का वीडियो अगर बनाऊंगा ना तो वो इमोशनल नहीं लगेगा, ए रेटेड मोशन पिक्चर जैसा लगेगा। अरे जाने देना। वैसे भी सुअरों को क्या पता प्यार का डेप्थ क्या होता है, तेरी तो। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे भी श्री श्री जी ने पता है प्यार के बारे में क्या कहा है? बता क्या कहा है? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। तू जैसे गधों के लिए। मुझ जैसे गधों के लिए? वैसे भी यहाँ रहने वाले हर किसी की एक ना एक स्टोरी तो होगी। कितनी जुदाई, कितने आंसू, कितने खुशी के पल। तुझे मैं अभी प्रूव करता हूँ, रुक जा। अरे कहाँ जा रहा है? अरे रुकना। ए रुकना यार। हाय। हाय। आप अपने हस्बैंड का वेट कर रही हो ना? नहीं, अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। अरे बाप रे, ये ठीक है। तो फिर वो पैरों के पीछे है? ओह शिट, निकालना भूल गई। थैंक यू सो मच। हंस मत। ध्रुव, हाय। हाय। कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मिस किया, बहुत मिस किया यार। ए इधर आ। फोन मुझे दे। बहुत कुछ ले लिया, अब निकल यहां से। तुम आओ ना डार्लिंग। हाँ? वेदर कितना रोमांटिक है ना? बहुत अच्छा है। तो फिर जल्दी से रूम में जाकर राउंड लगाते हैं ना? तुम्हें वही चाहिए होता है ना? हे, ये इतनी सूख कैसे गई तुम? नहीं तो भूल गई हूँ, ऐसे सारे दोस्त कह रहे हैं मुझे। अच्छा? ये सब क्या है बेबी, काली हो गई हो, धूप में घूम रही थी क्या? तुम अगर मूड में आ जाओ तो बहुत प्यार से बात करते हो। तुम भी अगर मूड में आ जाओ तो और प्यार से बात करती हो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? वो धना के दादाजी का गेस्ट हाउस है, किसी ने ओपन नहीं किया है, हम जाकर एंजॉय करते हैं। इसे भी डबल मीनिंग क्यों समझ रही हो डार्लिंग? तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा डर्टी माइंड है।
चुड़ैल कहीं की? अरे कुछ हुआ तो नहीं ना ब्रो? थोड़ा साइड में रोकना तू। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बेटा। ठीक है, एक सिगरेट देना। मैडम नहीं आई बेटा? आइए ना, वो कार में है। बेबी एक राउंड लगाते हैं ना। थोड़ा फ्रेश हो जाए क्या? तुम भी मेरी माँ जैसी बन गई हो। घर में आना है तो पैर धोने पड़ेंगे, खाना है तो हाथ धोने पड़ेंगे, और अभी तुम बिल्कुल वैसी ही बिहेव कर रही हो। बेबी सेमी राउंड लगा कर नहा लूंगा ना। नो यू हैव टू गो। क्या मुसीबत है। दीक्षा क्यों खेल रही हो? बाहर आओ ना। दीक्षा फोन यहां रखकर कहां चली गई? हेलो। तुझे तो बहुत जल्दी याद आ गई। हाँ अरे दीक्षा मिल नहीं रही है यार। वो क्या कोई हॉल टिकट है जो मिल नहीं रही है? वहीं होगी। अरे एक घंटे से मिल नहीं रही है यार, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे कहीं नहीं जाएगी वो, उसे भूख बहुत ज्यादा लगती है। यहाँ वहाँ कुछ खा रही होगी, जाकर देख ले। चल ठीक है। दीक्षा 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 एक सिगरेट देना चाचा। अकेले घूम रहे हो बेटा? मैडम कहाँ है? वो रूम में आराम कर रही है चाचा। वैसे चाचा यहाँ पर अच्छा होटल कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पास में ही है, यहाँ से स्ट्रेट जाकर हाँ राइट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड में हाँ एक अच्छा होटल है। ओके चाचा। दीक्षा 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 दीक्षा
दीक्षा दीक्षा दीक्षा दीक्षा दीक्षा दीक्षा हेलो हेलो हे मिली क्या अब तक नहीं आई यार 7 घंटे बीत गए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा पुलिस में कंप्लेंट देने की सोच रहा हूं ए ए ऐसा पागलपन मत करना पुलिस में कंप्लेंट करेगा तो वो पहले तुझे उठा कर ले जाएंगे कहीं नहीं गई होगी आ जाएगी टेंशन मत ले समझ गया ना चल ठीक है बाय क्या बात है बेटा बहुत उदास दिख रहे हो बोलो दीपो अगले 20 मिनट में क्लाइंट के साथ मीटिंग है तुम अभी तक तैयार नहीं हुए ना कोई इंसान इतनी देर सोता है क्या मैं बाइक पर हूँ ऑन द वे इसलिए पिकअप नहीं किया ठीक है 20 मिनट में मैनेज करके आ जाऊंगा ठीक है जल्दी आओ गुड मॉर्निंग माँ गुड मॉर्निंग ये दीक्षा है मेरे कॉलेज की स्टूडेंट है ये हाय हाय क्लास टॉपर है ये जितनी पढ़ाई में अच्छी है उतनी ज्यादा शरारती भी ठीक है माँ मैं चलता हूँ डोसा बनाया है खाकर नहीं माँ ऑफिस में खा लूंगा यार बहुत लेट हो रहा है शह इसका हमेशा का है बस 5 मिनट ही बचे हैं अरे भाई जरा यहाँ मॉर्निंग सर नीचे चाचा के होटल में जाकर सर 4 स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके सर अभी 5 मिनट बाकी है ना तुम आओ मैं बताता हूँ प्रिया से कौन से क्लाइंट आए हैं क्लाइंट कौन है ये नहीं पता तुम कॉन्सेप्ट कैसे बताओगे चॉकलेट ऐड के लिए उन्हें कॉन्सेप्ट चाहिए और ये कह के 1 हफ्ता हो चुका है पास में चॉकलेट जैसी लड़की तुम हो तो कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आएंगे ऐसी सिचुएशन में बुजुर्गों ने क्या और क्या कहते हैं बहुत कुछ कहा है बुजुर्गों ने कम लाइफ देखी है कैसा लग रहा हूँ अभी तुम्हारे एंट्री के बाद जब म्यूजिक बजेगा ना तब कमाल लगोगे
हेलो एवरीवन, 2 मिनट्स लेट हो गए हैं। आई नो मेरे क्लाइंट्स के लिए पास के कॉफी शॉप से कॉफी ऑर्डर की है तो थोड़ा सा तो लेट होगा ही ना। ओके आदि, हैव अ सिप। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो I hope you all like the project. Nice presentation. We'll make a deal. Yeah, we make a Thank deal. Thank you. All the best. Thank you. See you soon. Thank you. Maa, sambhal ke jana. ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना. ठीक है माँ. खाना बना दिया है, खाना खाना मत भूल जाना। ओके माँ। और फ्रिज में दही रखा है, खा लेना। ठीक है, तुम जाते ही मुझे कॉल करना। चलो बाय। बाय बाय। हेलो, कहाँ पर हो? घर में। मेरी माँ नहीं है, घर पे आ जाओ। मेरे पति घर में ही हैं, मुश्किल है। हाँ, दो बिस्किट डाल के आ जाओ ना। ठीक है, आती हूँ। आप और दो बिस्किट खा लीजिए। हाय। हे, आओ ना। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं देखा। क्या बात है, आज इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? आज तक ये डायलॉग कितनी लड़कियों पर मारा है? बस अभी मेरी नौकरानी से कहा था, वो अपने पति के साथ आएगी कह रही थी, उसके आने तक हम राउंड लगा लेते हैं। आओ आओ आओ। आज तुम इतनी हॉट क्यों लग रही हो? जैसे कि हमारे बीच पहली बार हुआ हो। कोई आया है? बताया था ना, नौकरानी का पति आने वाला है। तुम आओ ना, जरा देख कर आओ ना। अरे यार, कौन है इस टाइम पर? लगता है ये नौकरानी अपना मन बदल कर आई है। अगला राउंड तो थ्रीसम होगा। क्यों आई है? माँ तो नहीं है? मैं जानती हूँ। ये कौन है? कौन है क्या, कौन है? पड़ोसी है, करियर में डाउट है इसलिए आई है। ठीक है, तुम्हारी माँ को कॉल करती हूँ, यही बात कहना। माँ को? ए, रुक जाओ, माँ की क्या जरूरत है अभी? या तो मैं कॉल करूँ या इसे बाहर भेजो। कॉल मत करो, मैं इसे भेज देता हूँ। भवानी प्लीज जाओ ना अभी। ये सीन दोबारा रिपीट हुआ तो मार डालूंगी। डोर अच्छे से लॉक कर लो।
अरे इतने दिन तक तू सबके राउंड लगा रहा था, अब वो तेरे राउंड लगाने के लिए आ गई है। बस कर बे। हाय रीटा। हेलो। नाइस ड्रेस। थैंक यू। तुम्हें एक बात पता है क्या, तुम्हारा ड्रेस कलर और मेरी बाइक का कलर अच्छे से मैच होता है। ये तो फिर से स्टार्ट हो गया। बेबी कस के पकड़ो, गड्ढे बहुत ज्यादा है, गिर जाओगी। हेलो हेलो, तुम्हारी माँ को कॉल करूं क्या? नहीं नहीं उतार दूंगा, प्लीज बेबी उतर जाओ। क्यों मेरे पीछे पड़ी है ये? ओए, छोड़ के चला गया। पूरा दिन मैंने उसे ढूंढा, घर का पता लगा कर भी गया था, लेकिन घर में भी नहीं है उसकी तो। यार मुझे एक डाउट है, तेरी कॉम्पिटिटर एड एजेंसी ने तुझे परेशान करने के लिए भेजा होगा उसे। सही कह रहा है यार, मैं इस एंगल से सोच ही नहीं रहा हूं। एंगल बोला तो हंसी छूट गई, डर्टी माइंड। ये मेरी इमेजिनेशन में भी आ रही है। अरे मैं किसी के साथ भी घूमू उसको इससे क्या, जैसे कि वो मेरी चौकीदार हो। असल में इसे या उसे नहीं, इसका ही राउंड लगाना होगा, पड़ी रहेगी। मेरी माँ की स्टूडेंट है इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन कुछ एंगल्स में ये भी अच्छी है, पता है। अच्छा असल में तू अपनी माँ से इतना डरता क्यों है? बचपन में मेरी माँ मेरी क्लास टीचर थी। 100 में 2 मार्क्स कम क्यों आए इस बात को लेकर 3 महीने पहले जो 300 दिए थे उसका क्या हुआ, यहाँ तक मेरा पिछवाड़ा लाल कर देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन इंजीनियरिंग करते वक्त भी उठक बैठक लगवाई मुझसे। ए, तू जैसे कमीने को भला कौन पालेगा? सही कह रहा है यार, मेरा ही अगर मेरे जैसा बेटा हो तो उसका मुंह सी कर जुबान काट कर कस 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 काट के उसे मार देता। हाँ दिखता नहीं है पर तेरे अंदर तो बहुत बड़ा शैतान है, टैंकर की तरह तू तो सब पी गया। अभी तो तेरे घर पर माँ होगी ना, तो कैसे जाएगा घर पे तू? दूध पीने वाले बिल्ली को पता है कैसे भाग जाना चाहिए, वैसे ही दारू पीने वाला मैं, मुझे पता है घर कैसे जाना है। डायरेक्टर कोई डायरेक्शन देगा क्या? सॉरी दीदी, अपना घर समझ के आ गया। ये तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। मेरा घर है? हाँ यार घर तो मेरा ही है। कहाँ गई है? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने पूरा दिन ढूंढा था। क्यों अब इसे छोड़कर मेरे पीछे आएगा क्या? वैसे भी मैं तुम्हारी माँ की स्पेशल स्टूडेंट हूँ, पर कुछ एंगल से मैं भी अच्छी ही दिखती हूँ ना। डायरेक्टर ने सीन पेपर तुम्हें भी दे दिया क्या? क्या देख रही हो? आंखें निकाल कर साइड डिश बनाकर खा जाऊंगा। मैडम को बताऊं क्या? मैडम मैडम कौन है? ध्रुव है क्या? हाँ मैडम। उससे कहो खाना खाकर सो जाए और तुम अंदर आओ, काम है। ओके मैडम। नीचे क्या ढूंढ रहे हो? चिल्लर गिर गया, वो ढूंढ रहा था मैं। ये चिल्लर हरकतें छोड़कर जाकर सो जाओ। मैडम नमस्ते। मैडम ध्रुव सर कहाँ है? ग्राफिक डिजाइन के लिए कोई लड़की आई है तो इंटरव्यू ले रहे हैं सर, आप अंदर जाइए ना मैडम। ओके
थोड़ी देर पहले यहीं थे सर। पिछले जन्म में कौन से रेड लाइट एरिया में लड़की बनकर पैदा हुआ था पता नहीं। चीयर्स। यू आर सिलेक्टेड, कल मॉर्निंग 9 o'clock ऑफिस में आ जाना। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, कल सुबह कॉल करके उठाऊं या ऊपर पैर डाल के उठाऊं? आप हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं क्या? नहीं, जब मूड होता है तभी ऐसी बातें करता हूँ। तो मेरे रूम पे चले क्या? ओहो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट हो। ठीक है चलो। तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है यार। थैंक यू। तो फिर अब क्या बताना पड़ेगा क्या? सो दिस इज माई रूममेट आभा। हे हाय। हाय। तुम्हारे राउंड लगाने तक ये फ्री है क्या? फ्री हूँ या कॉस्टली हूँ तेरे परफॉर्मेंस को देखकर बताऊंगी। चलो। घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा, बेडरूम भी बहुत अच्छा है और तुम उससे भी अच्छी हो। तो फिर नेक्स्ट क्या है? आओ। जो देना चाहिए वो देने की बजाय चिप्स क्यों दे रही हो? अरे यार। Who are you? Hey, कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? Excuse me. इसकी तो बस वो ना आ जाए, बस वो ना आ जाए। भगवान, अब आपको ही संभालना होगा। इन दोनों के साथ क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अपना संयम आजमा रहा था। अरे ध्रुव, किसी क्लाइंट ने मेरे पास फोन किया था। तेरा फोन आउट ऑफ रीचेबल है। तू वो नई लड़की मनु के घर गया ये बताया मैंने। ठीक किया ना? आ गई है। तो मुझे थैंक्स नहीं बोलेगा क्या? बोलूंगा ना भाई, आकर बोलूंगा। ओके। चलो चलते हैं। बहुत थक गया हूँ यार, यही सोकर सुबह आ जाऊंगा ना। ठीक है, तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ, ये बात उनसे कहना। ऐसी सिचुएशन में बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा? थोड़ा जोर से कहो। चलो कहा है। तुम? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इस की वजह से ऐसे बेकार काम करने पड़ रहे हैं मुझे, लेकिन तुम कॉन्फिडेंट रहो। ये सर, एक टकीला शॉट देना भाई। ओके सर।
वो सब तो बच्चों के लिए होता है ब्रो, बड़ों के लिए क्या है। ए, वो सब यहाँ नहीं मिलता, चल निकल। चल चल। चेकिंग हो गया क्या मसाज? कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? कोकेन। ए रॉकेट, ले ले। खाते खाते, धीरे धीरे खाते हैं। खाता है या नहीं, ये कोई हॉर्लिक्स है क्या? हाँ, इसे खींचा जाता है। ऐसी सिचुएशन में एंडमुरी जी ने पता है क्या कहा है? क्या बोला? अरे बहुत कुछ कहा है, अभी बताऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। तुझे एक कहानी सुनानी है। सुना। कुछ सालों पहले तिरची के पास एक छोटे से गांव में कुछ मूर्ति और सिक्के जमीन से बाहर निकले। वो बात बाहर किसी को पता ना चले, इसलिए वहां के वर्कर्स ने सोचा इसे आपस में बांट लेंगे। लेकिन उसमें से एक ने ये बात अपनी इल्लीगल गर्लफ्रेंड प्रेमिका सरला को बता दी। मर्द के पेट में दारू नहीं बचती, औरत के पेट में कोई बात नहीं पचती। वो बात उसने पड़ोस की मालिनी को बता दी। उसने कपड़े धोने वाली बुज्जी को बताया। ऐसे बताते बताते आखिर वो बात गांव के सरपंच तक पहुंच गई। बात पता चलने के बाद सरपंच चुप रहेगा क्या? उसने उन सबको मार कर वो सब मिनिस्टर को भेज दिया, और उस मिनिस्टर ने उसे दुबई के शेख को भेज दिया। सब अच्छा चल रहा था, तभी ऐसे टाइम में प्रवीण की एंट्री हुई। ये प्रवीण कौन है पूछेगा नहीं क्या? वो सिक्के और मूर्तियां ले जाने वाला कार ड्राइवर। उसने जो काम किया उसके बदले उसे थोड़े सिक्के दे दिए गए। ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? वो कार ड्राइवर और कोई नहीं, मेरे दादाजी है। उनमें से मुझे उन्होंने कुछ दिया। वो नॉर्मल सिक्के होते तो मैं तेरे पास नहीं आता। वो राइस पुलिंग कॉइन्स हैं। उसे कौन खरीदेगा ये बाहर मैंने इंक्वायरी की तो तेरा नाम बताया। यहाँ आकर देखा तो तेरा उतना सीन नहीं है, ये समझ में आ गया। ए, क्या बात कर रहा है तू? हाँ ये देख। वो तो तेरे कमीशन के लिए ही काफी नहीं होगा। इतना ही नहीं, हमारे बॉस के पास 4 कंटेनर भर के और अनगिनत ब्लैक मनी है। ओके, मेरा यहाँ ज्यादा समय रुकना अच्छा नहीं है। कल शाम को आकर डील क्लोज करते हैं। ओके ओके, डन डन। चलो चलो फास्ट चलो। अरे कहानी बताकर अच्छा मस्का लगाया। हाँ अब क्या हुआ? हे भगवान, यहाँ तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कुछ बात मत करो, बाहर चलो मैं बताता हूँ। घर जाकर राउंड लगाएंगे कहा था ना? तुम रुको ना। बताओ क्या हुआ, बताओगे? ये सब एड फिल्म मेकिंग है, ये सब मॉडल्स हैं। तुम्हारे शर्ट के बटन में कैमरा लगा है, इसके नेकलेस में कैमरा लगा रखा है। इसने तो पता लगा लिया। ए, इसके पास कैमरा है, जल्दी आओ यहाँ पे। ए, जल्दी आओ ना। ए? चलो। उसे छोड़ दो, चलो हम चलते हैं। ध्रुव छोड़ो मुझे, छोड़ो।
मैं किसी के साथ भी घूमूं इससे तुझे क्या? तुम्हारा किसी और लड़की के साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने बस तुम्हें एक बार मेरे घर में देखा था, मेरी माँ की स्टूडेंट हो सोचकर छोड़ दिया। तो असल में तुम्हें पहली बार कहाँ देखा था मैंने, तुम्हें पता है? ए, जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे निकल ना जाए हाथ से, पकड़ उसे। ए, रोक। ए, किधर भागती है? ए, रुक जा। ए, कहाँ जाएगी बच के? तू कौन है बे? इसका लवर है क्या? बोल। अरे मार दिया, अरे माँ, अरे सर फट गया मेरा। ऐसा प्लान करते वक्त मुझे बुलाना चाहिए, ये पता नहीं है। हा? तुम भी हमारे बैच से हो क्या? तुम कुछ भी कहो भाई, पर आपने सर पे बहुत जोर से मार दिया भाई। अरे माई, कपाड़ फाड़ दिया। अरे अरे बियर, बियर बिरयानी टाइप का यहाँ का प्रोग्राम। सेटअप तो बहुत ही अच्छा है भाई। अरे अम्मा, प्लान क्या? इसका रेप करते हैं भाई। आइडिया तो अच्छा है। थैंक यू भाई। ठीक है, रेप करते हैं। हाँ भाई, करने के बाद इसने हम सबको देखा है ना, तो पकड़े जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? तो फिर मार डालते हैं इसे। बाप रे। तेरा दिमाग तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मटन का भेजा बहुत खाता हूँ भाई। मरने के बाद बॉडी तो मिल जाएगी ना, तब भी तो पकड़े जाएंगे। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बॉडी को गायब कर देते हैं भाई। रेप कर देते हैं, मार देते हैं, बॉडी गायब कर देते हैं। ये सब करने के बाद भी कोई ना कोई क्लू तो छोड़ ही देंगे, तब क्या करेंगे? पता नहीं भाई। हाँ तो सुन भाई, तुम में से कोई पकड़ा नहीं गया, मैं अकेला पकड़ा गया, तो मैं तुम सबका नाम बता दूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं भाई? ये तो वैसे भी मर जाएगी, तो इसके घर वाले सफर करेंगे, हम लोग जेल जाएंगे, हम तो खुशी से ही रहेंगे ना। तेरा भी तो एक परिवार है, मेरा भी एक परिवार है भाई। कल तेरी बीवी बाहर घूमेगी तो उसको कोई उकसाएगा। ऐसा कौन है जो उकसाएगा? उकसाएगा यार, तेरे जैसे बहुत लोग घूमते हैं बाहर। असल में क्या कह रहा है ये? ठीक है, मुझे एक बात बता भाई। तूने पी रखी है। थोड़ी बहुत। इतने टेंशन में रेप ठीक से कर पाएगा क्या? हाँ, वो भी मैं नहीं कर पाएगा। तेरे लिए अगर सेक्स इंपॉर्टेंट है तो उससे संबंधित दूसरे लोग भी तो हैं। असल में कहना क्या चाहता है ये? ओके ओके, ये क्या निकाल रहा है? पैसे। तुझे जब भी राउंड लगाना होगा ना तो मुझे फोन करना। ठीक है भाई। भाई वैसे तूने रेप बोला था ना? रेप वेप गंदी बात है भाई। सच कह रहा है क्या? माँ कसम। पक्का? पक्का, सच में। कंफर्म? भाई कंफर्म है। तो ले जाऊं? हाँ, इसको ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, पहले ही देर हो चुकी है। तुम जाओ, तुम्हें आजादी मिल गई, मुझे पैसे मिल गए। एक दो तीन चार, चलो आज तो मजा आ जाएगा भाई।
पीने के बाद कोई ठीक से नहीं करता, ये बात सही कही आपने। भाई ऐसा क्यों किया आपने भाई? चल बे, मैं नहीं भेजा है। भाई को एक हफ्ते में एक बार फोन करेंगे यार। इतनी डल क्यों लग रही हो? मुझे यूएस का वीजा मिल गया। अरे इतनी अच्छी बात इतना डल होकर क्यों बता रही हो? कांग्रेट्स बेबी। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं रह सकती बेबी, मना कर दो ना, मैं रुक जाऊंगी। बस 2 साल की तो बात है ना, जाके आ जाओ, तब तक मैं भी सेटल हो जाऊंगा। डार्लिंग, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना बेबी। अभी क्या चाहिए बोलो ना। जाने से पहले राउंड लगाएं क्या? इस बात के लिए मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। बेटा ध्रुव। मेरी माँ आ गई। मैडम क्या हुआ बेबी? मैं जा रही हूँ, तुम अगर एयरपोर्ट आओगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी ना। ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ है बेटा? दीक्षा मिल नहीं रही है चाचा। अच्छा, असल में क्या हुआ बेटा? तुम्हें संभल कर रहना चाहिए था। तुम्हें एक बात बताता हूँ, चिंता मत करना बेटा। अरकू में कुछ दिनों से लड़कियों का मर्डर हो रहा है। अब तक 6-7 लड़कियां मिसिंग हैं। उनके गायब होने के 2-3 दिन बाद ही उनकी डेड बॉडी मिलती है। क्या बात कर रहे हो चाचा? सच कह रहा हूँ बेटा, पहले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। सच कह रहा हूं बेटा, पहले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। ए, 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 ऐसा पागलपन मत करना। अगर पुलिस में कंप्लेन की तो सबसे पहले तुझे उठाकर ले जाएंगे। हाँ हाँ, कल आ जाऊंगा मैं, कल कंफर्म। तुम रुको, मैं करता हूँ कॉल बाद में। सर क्या चाहिए? 2-3 महीने पहले के पेपर चाहिए। वहाँ रैक में है, जाकर देखो। हाँ हाँ पक्का। Thank you.
ए, कौन हो तुम? तू कौन है बे? तू तुझे कभी राउंड लगाया है क्या? ए, मैं डिपार्टमेंट से हूँ। सॉरी मैडम, आप मुझे मार क्यों रही हो मैडम? मर्डर करने वाले के साथ और क्या करना चाहिए? मर्डर? और मैं? हाँ तूने, क्यों किया बता? मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब बाप रे। बहुत जोर से मारा आपने मैडम। आया कहाँ से है ये बता पहले। मैं हैदराबाद से आया हूँ मैडम। यहाँ आने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड मिस हो गई है। मैंने पूरा अरकु छान मारा पर वो कहीं नजर नहीं आई मैडम। बस यही बात है मैडम। इतना कुछ हो गया तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? मेरे घर में या उस लड़की के घर में अगर पता चलेगा तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा मैडम। ठीक है, ये केस मैं पर्सनली देखूंगी, तू स्टेशन चल मेरे साथ। अब मैडम क्या है? स्टेशन जाने से पहले आपको एक बार मेरे गेस्ट हाउस में आना होगा। क्या है ये सब? ये मैंने मॉर्निंग से जो रिसर्च किया है वो है। इसमें मुझे बहुत जरूरी बात पता चली है मैडम। वो एक साइको किलर है। हर साइको किलर या तो मेंटल पेशेंट होता है या फिर दुखी इंसान होता है। इसलिए वो जब भी मर्डर करके जाता है तो कोई ना कोई क्लू छोड़ता है चैलेंज करने के लिए मैडम। मतलब इसने भी कोई क्लू छोड़ा होगा क्या? ये तो आप ही को बताना होगा। वहाँ आपको क्या मिला है? फर्स्ट मर्डर के पास मिला हैंडबैग, वॉच, लिपस्टिक, सिगरेट पैक और लाइटर। आपके पास उसके फोटोग्राफ्स हैं क्या? उस लड़की को स्मोक करने की आदत थी? यस। उस दिन उसने स्मोक किया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। सिगरेट का डिब्बा और लाइटर क्यों था वहां पर? सेकंड मर्डर कहां पर हुआ था? लाइट हाउस। वहां पर क्या मिला था? इयररिंग्स, चेन, हैंडबैग, मोबाइल, हेयर क्लिप। उस लड़की के फोटो में कहीं भी हेयर पिन नहीं था। उस लड़की के मरने से पहले उसके बाल कैसे? आई थिंक लूज हेयर। फर्स्ट मर्डर जहां हुआ उस प्लेस में मिली हुई चीजें, दूसरा मर्डर जहां हुआ उस प्लेस में जो चीजें मिली, ऑब्जर्व करके देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां तीसरा मर्डर हुआ वो जगह बटरफ्लाई सेंचुरी, वहां उसने हमें क्लू दिया था बटरफ्लाई सिंबल। इस लड़की का हेयर क्लिप देखिए। सेकंड मर्डर जहां पर हुआ वो जगह है लाइट हाउस। वहां उसने हमारे लिए जो क्लू छोड़ा है वो लाइटर। एग्जैक्टली। सो वो जो हमें क्लू दे रहा है वो नेक्स्ट मर्डर प्लेस है मैडम। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें सब पता है। ऑलरेडी 7 मर्डर्स हो चुके हैं। नहीं मैडम, 8 मर्डर। मेरा एस्टिमेशन अगर सही हुआ तो एक मर्डर और होके 2-3 दिन बीत गए होंगे। हम वहां जाएंगे तो बॉडी देख पाएंगे। ठीक है चलो। चलिए। Thank you.
स्पॉट पर बॉडी मिली है। लोकेशन पिंग कर रही हूँ, जल्दी से पहुंच जाओ यहाँ। यहाँ पर भी कोई क्लू छोड़ा होगा क्या? हाँ? छोड़ा है। हम वहीं जाएंगे तो मेरी गर्लफ्रेंड को बचा पाएंगे। चलो। ओके। तुम्हारे साथ किसी और लड़की को तुमने देखा? नहीं देखा क्या? चलो। क्यों दर्द हो रहा है? क्या सोच रही हो मैडम? गोली मार दो कमीने को। उसे गोली मार दूंगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? फोन साइलेंट करो जल्दी। हेलो दीक्षा। ये क्या पूरा रूम गंदा क्यों कर दिया? कहाँ पर हो? गेस्ट हाउस। आ रहा हूँ। Huh?
कहाँ चली गई थी? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी पता? वो मैं ऐसे गिरते ही मैं बेहोश हो गई थी। सुबह उठकर मैं जोर से चिल्लाई तो चौकीदार ने आकर बाहर निकाला। ध्रुव, ध्रुव! तुम्हारी वजह से डेढ़ दिन वेस्ट हो गया। चलो राउंड लगाते हैं। बेबी, कहीं से चूहा मरने की बदबू आ रही है। तुमसे ही। हाँ बेबी। अच्छा बस 5 मिनट हा? मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ। अब जाके किसी गड्ढे में गिर मत जाना, यहीं पर बैठी रहो। हेलो। ओके, दे रही हूँ। ध्रुव, तुम्हारे लिए कॉल है। कट कर दो, अर्जेंट कह रहे हैं। ठीक है, लेके आओ। लो। हेलो ध्रुव, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है मैडम। गेस्ट हाउस पे 2 पुलिस वाले भेज रही हूँ, तुम्हारे जाने तक तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। राउंड लगाने के लिए सिक्योरिटी क्यों चाहिए मैडम? हमने जिसे पकड़ा है उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, कोई और ही होगा, पर तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ध्रुव चल, ध्रुव खाना बैठ। अरे छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो। ध्रुव चल, छोड़ो मुझे। ध्रुव ध्रुव चल। Hey, 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 meri gaadi!
ओए ध्रुव, कौन है बे तू? ध्रुव भारा, चलो चार छोड़ दो। कौन है कौन तू, और उसके साथ क्या करेगी? मुझे ले चल, गाड़ी की चाबी फेंक। ध्रुव, ध्रुव छोड़ो, चल ध्रुव छोड़ो। ये क्या क्या हुआ तुम्हें? दीक्षा को मेरी आंखों के सामने ही किडनैप कर लिया। अच्छा, कहां पर है वो? अंदर इंटरोगेशन चल रहा है, चलो पहले अंदर जाकर अपना गेटअप बदल लो, लेट्स गो। तुम्हारी गैंग में कुल कितने लोग हैं? मैं, मेरी बहन, मेरे पिता। ये सब तुम लोग क्यों करते हो? हॉबी। एक और सवाल पूछने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस एरिया का इंचार्ज मैं हूँ, यहाँ सबको मेरी बात माननी पड़ती है, चाहे वो तू हो या तेरे आसपास की हवा हो। ज्यादा बात करेगा तो तेरी जुबान काट डालूंगा। हम दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। तूने कहा काट डालूंगा और मैंने काट दिया। अगर मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं होती ना, तो तुझे भी उन्हीं की तरह मुझसे बाहर से बात करनी पड़ती। वैसे भी अपनी तू ये हॉबी चूहे या मेंढक पे भी तो दिखा सकता है ना, फिर इंसानों पे क्यों दिखाता है? उनमें भी जान होती है, तुम जैसे लोगों को उनकी जान से कोई मतलब नहीं। उसी तरह मुझे भी इंसानों की जान से मतलब नहीं। तू भीमली से है ना, फिर ये सब यहाँ क्यों कर रहा है? लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हुआ हूँ। मर्डर करने के बाद क्लू छोड़ देते हो, बहुत कॉन्फिडेंस है तुम में। इतने क्लू छोड़ने के बाद भी तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए, और अभी भी किसी ऐरे गहरे इंसान की वजह से तू मेरे सामने बैठा है। लास्ट ईयर 3 मई को तुम लोगों ने एक लड़की का मर्डर किया था, उसके बारे में बताओ। जब वो लड़की इतना रो रही थी तो तुम्हें दुख नहीं हुआ था?
थोड़ा भी तरस नहीं आया उसके ऊपर? नहीं, थोड़ा भी नहीं। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे तरस आए। वैसे थोड़ा सा दुख हुआ था मुझे, जल्दी मर गई थी वो, इसलिए अगली बार कोई जल्दी ना मरे इसका पूरा ख्याल रखा। तुमने अगला मर्डर किया था 7 अक्टूबर को, इंजीनियरिंग कर रही रानी को मार डाला था, उसके बारे में बताओ। रानी उसको मार के मजा आया था, उसकी बात ही अलग थी। कहाँ जाना है तुम्हें? अर्कु घाटी। आ जाओ। उसके बाद हीरोइन सीरी को कैसे मारा बताऊं क्या? लीव मी छोड़, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, मैं बहुत इनोसेंट लड़की हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज सर, मैंने ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया था सर, प्लीज, मैं बस सोशल मीडिया के अलावा और कुछ नहीं जानती सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए, मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है सर, प्लीज। I'm still virgin सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे मत मारिए सर, I'm still virgin, प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज प्लीज सर। उसे ले जाने में थोड़ी तकलीफ हुई थी मुझे, वहां पे बहुत सारे गार्ड्स थे, सबको क्रॉस करके गया और उसी की कार से उसको किडनैप किया। ध्रुव, इतने रूथलेस कैसे मैडम, ये सब कमीने? सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही निर्दयी है। अब मेरी लवर का क्या होगा मैडम, वो लोग उसे भी मार देंगे क्या? चांस ही नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं होगा, किसी भी तरह बचा लेंगे। वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन रूम में है ना, वो स्पेशल ऑफिसर रवि हैं। ऐसे लोगों से डील करने में वो एक्सपर्ट हैं। और उनके टीम के 2 मेंबर्स मुंबई से आ रहे हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। जल्दी ही हमें कोई क्लू मिल जाएगा, तुम हिम्मत से काम लो, खूनी मिल जाएगा। हेलो, वो लड़की, तुम्हें सेफ चाहिए तो मेरे आदमी को छोड़ना होगा। कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन हूँ तुम्हारी मैडम अच्छे से जानती है, जितना बोला है उतना कर, 1 घंटे के बाद दोबारा कॉल करूंगा। हेलो हेलो मैडम, सर वी कांट लेट हिम गो, वो एक साइको है, उसे अगर बाहर छोड़ दिया तो बहुत सी मासूम लड़कियों को जान का खतरा हो जाएगा। अगर उसे थोड़ी देर और अच्छे से हैंडल किया ना तो उसके बहन और उसके बाप का ही नहीं, उसके सारे पूर्वजों का एड्रेस बाहर आ जाएगा। बहुत मेहनत से उसको पकड़ा है सर, अब उसको ये भी पता है कि हमने उसका चेहरा देख लिया है सर, इसके बाद वो और बेरहम हो जाएगा, उसे छोड़ना खतरनाक है। हेलो हेलो मैडम, वहाँ पर जो है वो मेरी जान है, उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा पता है? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हम बचा लेंगे। अब तक किसे बचाया है सर आपने? एक लड़की को कितनी बेरहमी से मार रहा है वो, फिर भी आप लोग बचाव करोगे इस बात का भरोसा नहीं है मुझे। देखो ध्रुव, हम उसके बॉडी में एक GPS चिप लगा देंगे तो उसका लोकेशन हमारे निगरानी में होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसे ही मिल जाएगी हम उस पर अटैक कर देंगे,
अब हमें धोखा देने का कोई चांस ही नहीं बनता। सच सच बताना, आपको ये जॉब किसी के रिकमेंडेशन से मिली है? ध्रुव, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, कंट्रोल योरसेल्फ। अभी जो कॉल आया वही ट्रेस नहीं कर पाए हैं। वैसे भी अगर आप उस पर जीपीएस लगाकर भेजेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा क्या? ये अगर उसे पता चल जाएगा तो वो हमारे साथ फुटबॉल खेलेगा। वैसे भी आप लोग पागल हो गए हो क्या? मेरी गर्लफ्रेंड की जगह आपकी बेटी होती तो आप किस तरह का डिसीजन लेते सर? छोड़ दो उसे। सर, सर, सर। कांस्टेबल सर, एक नंबर सेल में जो बंद है उसे बाहर निकालो। ओके सर। एक्सक्यूज मी। थोड़ा पानी दीजिए ना। क्यों रे, क्या समझा है मुझे? खुद जाकर ले ले। आलसी कहीं के। वो साइको नहीं है, तू ही है। लाइट हाउस में जो दूसरा मर्डर हुआ था वो याद है ना? रानी वासु जी की इकलौती बेटी, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उसी दिन उसका बर्थडे था, उस लड़की का सर काट दिया, पूरी बॉडी में कीले घुसा दिए। एक एक कील से न जाने वो लड़की कितना तड़पी होगी। ये बात सोचकर ही ऐसे हैवानों के टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है। वासु सर तब से जिंदा लाश हो गए हैं और उसके पकड़े जाने के बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया है। जाने के बाद दोबारा ऐसा काम नहीं करोगे ना? हेलो, मेरी दीक्षा बताना कहाँ है, बोल। इतनी आसानी से बता दूं? हाँ, तेरी ही वजह से पकड़ा गया था मैं। अभी तक जितने मर्डर किए हैं उनमें से तेरी लवर को सबसे बेरहमी से मारूंगा। तुमने उसे गोली क्यों मार दी? हेलो, ये लोकेशन गलत है, अब इस बॉडी का क्या करेंगे? जो मर गया उससे हमारा क्या काम है? चलो चलते हैं।
देख क्या रही है, कॉल कीजिए उसे। स्विच ऑफ। दोबारा ट्राई करो जरा। अब हम क्या करें? कहानी शुरुआत से शुरू होगी। फर्स्ट मर्डर कहाँ हुआ था? अंजीरा फॉरेस्ट। सेकंड वन? लाइट हाउस। नेक्स्ट वन? यहां पर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ओह शिट, गोल्डन रूल। वो क्या है? एक फोटो फ्रेम में या पेंटिंग में हमारे नजर में आए ऐसा एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को गोल्डन रेशो में इस्तेमाल करते हैं। ये गोल्डन रूल गोल्डन रेशो से आया है। मैं कुछ समझी नहीं। इट्स अ मैथमेटिकल साइको एनालिसिस। तुम आगे बताओ ध्रुव। इस गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करते हुए हमारे अटेंशन को वो लोग ग्रैब कर रहे हैं। यहां पर क्या है? वाइजैक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका मतलब दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। जैसा मैंने सोचा, जो मैंने फॉलो किया, 144 सीक्वेंस अगर नहीं हुआ तो? मतलब ऐसा मर्डर इससे पहले भी कहीं हुआ होगा क्या? चांस तो है। इस अरुकू डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हुआ ही होगा। ऐसा मर्डर कहीं और हुआ है क्या? जरा पता लगाओ। गाइस, गाइस, आई वांट एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी मर्डर दैट हैपेंड इन इंडिया ऑन 3rd September। क्विक, सभी दूसरे काम छोड़कर सबसे पहले ये काम करो। सर, वी फाउंड वन केस। हेलो सर, हम अरकू पीएस से कॉल कर रहे हैं। एक साल पहले भीमली में आइडेंटिफाइड बॉडीज मिली थी ना, उसकी डिटेल्स चाहिए। ठीक है मैडम, 10 मिनट में फैक्स करता हूँ। ये तो कोई नया नंबर लग रहा है। हेलो, आपको मेरा इंटरव्यू लेना होगा। आप सेलिब्रिटी हैं क्या? नहीं। पॉलिटिशियन है? नहीं। सोशल वर्कर है? नहीं। तो फिर मैं क्यों लूं आपका इंटरव्यू? अरुकू में 8 मर्डर्स करने वाले हम ही हैं। व्हाट? हाँ बिल्कुल, हम ही हैं। कहाँ पर आना है मुझे? मुझे लाइव आना है और तुम्हें अकेले आना होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। केस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। वाइजक के पास एक लड़की का सर काट के बहुत बेरहमी से मारा है। विक्टिम का नाम है अक्षा और ये केस अभी तक ओपन है सर।
इसमें चार लोग एक्यूज्ड हैं। पति का नाम है प्रभाकर, मतलब जो अभी मर चुका है। बहन है प्रगति, पापा है वेंकट शास्त्री, माँ है सरस्वती। ये अब तक पकड़े नहीं गए हैं। We have to see this. सर, इस चैनल को कॉल करो इमीडिएटली, मुझे लाइव लोकेशन चाहिए। ओके सर। मैं अर्कू पीएस से बात कर रहा हूं, अभी आपके चैनल में हो रहे लाइव इंटरव्यू का लोकेशन भेजिए जल्दी। आपका नाम क्या है और आप ये सब क्यों कर रही हैं? मेरा नाम है प्रगति। क्यों कर रही हूँ ये बताने से पहले एक कहानी सुनाती हूँ। मैं वाइजैक के पास भीमली से हूँ। मेरा एक प्यारा सा परिवार था और हम बहुत ही खुश रहा करते थे, लेकिन मेरे भैया की शादी के बाद सब बदल गया। अरे क्या कर रहे हो? पति आ गए। ओके ओके। रुक। कौन था ये? हाँ? कौन था? हाँ? बस 5 दिन पहले ही शादी हुई है ना? अगर यही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? हाँ? तू यही रुक, तेरे भाई को बताता हूँ मैं। सॉरी जी, गलती से हो गया, मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगी। सॉरी, भैया को मत बताइए। हेलो, बोलो बेटा। वो लड़की अच्छे परिवार से ये सोच के शादी की थी, ऐसा करेगी सोचा नहीं था। अभी ये बात उसके घर पर बताकर उस लड़की की इज्जत उछालना ठीक नहीं है। बच्ची है, अनजाने में उससे ये सब हो गया। मैं बात करता हूँ उससे। ए चल साइड हट, से जीप में बिठा लो, बिठा लो, चलो। मुझे क्यों ले जा रहे हो? क्या बताता हूँ, मैंने क्या किया मेरे साथ? सर चल, मैंने कुछ नहीं किया सर, क्यों ले जा रहे हो? चलने के लिए चल, सर क्यों ले जा रहे हो? सर आप तो सुनिए,
पुलिस वाले क्यों ले जाए? पता नहीं कुछ किया होगा। चल सीधा खड़ा रहे, चल भी छोड़ गई तेरे को। खड़ा रहे, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना। छोड़िए हमें। हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताइए क्यों लेकर आए हमें यहाँ? मेरा साला कहाँ है? तेरी तो छी, तुझे छूते हुए भी घिन आ रही है मुझे। तुम्हारे साले ने ही अरेस्ट करने को कहा है मुझे। तुम लोग अच्छे परिवार से हो ये सोचकर सीआईजी ने अपनी बहन की शादी तुम्हारे घर में की, और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? ए, इन सबको अंदर डाल के हड्डी पसली एक कर दो। अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। चलो चलो। क्या किया है सर? कितना अच्छा नाटक कर रहा है तुम्हारा परिवार, हा? एक लड़की को इतना टॉर्चर कैसे किया तुम लोगों ने? सिगरेट के वो निशान, वो घाव, तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? वैसे भी हमारे सीआईजी ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने को कहा है। अगर उनकी जगह मैं होता ना तो अपने हाथों से तुम लोगों को काट डालता। चल। भैया को पता चल गया तो मेरी सारी गलतियां बाहर आ जाएंगी। अब क्या करूं मैं? इज्जत चली गई,
हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या फायदा जीने का, किसके लिए जिएंगे? गलती उसने की है तो उसके लिए हम क्यों मरें सरस्वती? मरना तो उसे होगा। पुलिस स्टेशन में हम तड़पे, रोए, चिल्लाए भी, संघर्ष किया, पर सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे भैया को 3 साल जेल की सजा हो गई, हमारे घर की इज्जत चली गई, व्यापार चौपट हो गया। आखिर में हमें गांव में भी आने नहीं दिया गया। एक लड़की इतना सब कुछ कर सकती है, और मैं भी लड़की हूँ, तभी मुझे पता चला। ओके, आपके साथ अन्याय हुआ है ये बात मानती हूँ, लेकिन इस कोर्ट में नहीं तो किसी और कोर्ट में। फिर भी नहीं हुआ तो मानव अधिकार संघ तो है ना, मदद के लिए इस तरह की संस्थाएं तो बहुत हैं। मतलब कि हम एक तख्ती पकड़कर कोर्ट के सामने जाकर बैठ जाते क्या? अगर उससे भी न्याय मिलेगा तो मैं बैठ जाऊंगी, पर मिलेगा नहीं। हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। फोन करते ही भाग कर आने वाली तुम भी यहाँ पर नहीं आती, लेकिन अभी मेरी बात को लाखों लोग सुन रहे हैं। मुझे ये अटेंशन चाहिए। मैं जो कहना चाहती हूँ उसे गवर्नमेंट को सुनना होगा। और कितनी दूर है? ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस 10 मिनट और लगेंगे। आप अपना मोटिव बताना चाहती हैं, अच्छी बात है, पर मासूम लड़कियों को मार क्यों रही हैं? मासूम कौन है? सरिता, अब तक उसने 3 शादियां की है और हर पति को दहेज के मामले में फंसाया और जायदाद लेकर डिवोर्स दे दिया, नाम बदल लिया, गांव बदल लिया, फिर दूसरी शादी, दूसरा पति, दूसरा केस। ये 4th शादी थी। ऐसे इंसान मेरे देश में रहने लायक हैं क्या? असल में धरती पर भी रहने लायक नहीं, इसीलिए मारकर ऊपर भेज दिया। पहले लाइव ऑफ करने को बोलो यार। लाइव ऑफ कर देंगे तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा, तुम चलो। दूसरी लड़की रानी इंजीनियरिंग पढ़ रही है, 3 साल वो किसी के साथ घूमी, उससे प्यार किया, अपनी जान कहा। उतने में उसके पिता एक NRI का रिश्ता लेकर आ गए और वो तुरंत मान गई। उसके बॉयफ्रेंड को कुछ समझ ही नहीं आया, वो रोया, विनती भी की, गुस्सा भी किया, फिर उस लड़की ने हरासमेंट का केस कर दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ पूछने वाला कोई नहीं है। उसके पिता पुलिस में हैं और वो अभी जेल में ही है। उसकी पढ़ाई भी खत्म और करियर भी खत्म। बेचारे एक लड़के की जिंदगी एक लड़की ने पूरी तरह बर्बाद करके रख दी। ये गलत नहीं है, बताओ मुझे क्या कोर्ट और गवर्नमेंट के लिए लड़कों का रोना कुछ नहीं होता है? लड़की एक बार दिखावे के लिए रो दे तो केस कर देंगे। हाँ, तीसरी है सिरी हीरोइन, किसी प्रोड्यूसर के बेटे के साथ प्यार करती है, फ्रेंडशिप कहकर घूमती है और उसके प्राइवेट फोटोज को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करती है। लड़की है ना, फिर से मान लिया लोगों ने। एक सेल्फिश मोटिव से इतना नीचे गिर सकते हैं क्या? हमने जितनों को मारा है वो सब ऐसी ही थी। गवर्नमेंट ने हर लड़की की सेफ्टी के लिए, उनके कंफर्ट के लिए लॉ बनाया है, उनके अपने निजी फायदे उठाने के लिए नहीं बनाया है। ऐसी लड़कियों को तो बात करने तक का हक नहीं है, इसलिए उन्हें मार दिया। गलतियां होती हैं, अगर उन्हें सुधारना है तो उनकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है। हमने भी वही किया, जड़ को ठीक करने का प्रयास किया हमने। एक और छोटा सा सवाल है, वाइजेक में इतने सारे जर्नलिस्ट होने के बावजूद आपने सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया? ओह शिट। एक साल पहले तुम्हारा रेप किया गया है कहकर तुमने चैनल के CEO पर केस किया था। तुम केस जीत गई और वो चैनल तुम्हारा हो गया, और वो CEO अभी भी जेल में है। हाँ सच है, उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल गई। पर मैं सच बताऊं तो वो एक गे है। फिर वो तुम्हारा रेप कैसे कर सकता है? हाँ, इसलिए मुझे तुम भी पसंद नहीं आई। तुम जैसों का जीना समाज के लिए हानिकारक है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज प्लीज। आ!
इक्वल राइट्स कहकर अपने हक के लिए 40 सालों से लड़ रही हैं ये औरतें। घंटे का इक्वल राइट्स, इस इक्वल राइट्स को पार करके कब के निकल चुके हैं सब, और ये बात गवर्नमेंट और सिस्टम को कब पता चलेगी? हाँ, रोड पर भीख मांगने वाले ज्यादातर मर्द ही हैं, कोर्ट में केस हारने वाले भी मर्द हैं, क्लास में ठीक से पढ़ने वाले मर्द हैं, जेल में भी औरतों से ज्यादा मर्द ही हैं। मी टू यू टू कहकर टैग लगा रहे हो, लड़कों से भी पूछ कर देखो उन्हें कितने लोग हैरेस करते हैं, जरा पूछो तो। एक लड़की और लड़की के साथ सेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहते हैं कि लड़के ने लड़की का इस्तेमाल किया है। क्यों? लड़कियों को सुख नहीं मिलता है क्या? अरे उस टाइम उन्हें भी तो मजा आता है ना, तो फिर क्यों कहते हैं कि लड़के ही गुनहगार हैं? कानून का होना जरूरी है, उससे लोगों का भला होना चाहिए, लेकिन उससे किसी की जिंदगी को श्राप नहीं बनाना चाहिए। बदलो इसे, कानून मेरे बाप। क्या ढूंढ रहे हो तुम? यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रही है, उन्होंने कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ा होगा। मुझे तुम्हारी कार चाहिए। ले जाओ। दीक्षा, 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 तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? टाइम कितना हुआ है? 6:45। ओह, फ्लाइट में सो गई, मुझे अर्जेंट जाना है। अरे रुको रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ, रुको। हाँ बोलो ध्रुव। हमारी फ्लाइट मिस हो गई है मैडम, मुझे इस लड़की को अर्जेंटली ड्रॉप करना है, नेक्स्ट कोई फ्लाइट भी नहीं है। आपकी कार चाहिए मुझे। ठीक है, ले जाओ। थैंक यू। रुद्राणी सर, फैक्स में जो फोटोग्राफ्स आए हैं वो लेकर के आओ। अभी तक फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे और अब बॉडी ही मैच नहीं हो रही है।
स्पॉट से रिकवर की गई बॉडीज का और भीमली से आए हुए फोटोग्राफ्स का असल में कोई संबंध ही नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? भीमली पीसी को फोन करके ये तीनों कौन है और इनका एड्रेस क्या है सब कुछ पता लगाओ। यस सर। गो। रनीता, भीमली पुलिस स्टेशन का नंबर देना जरा। 08933288885। हेलो। हेलो, भीमली पीएस। बोलिए मैडम। मैं आरकू पीएस से बात कर रही हूँ। आपने फैक्स में जो फोटोज भेजे थे ना, मुझे उनके फुल डिटेल्स चाहिए। सॉरी मैडम, वो 3 साल पहले ही मर गए थे। क्या कहा? हाँ मैडम, उन्होंने सुसाइड किया था। सर, वो 3 साल पहले ही मर चुके हैं। What? Are you sure? Yes, sir. बॉडीज का और फोटोज का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। वो अगर 3 साल पहले मर चुके हैं और प्रभाकर हमारी कस्टडी में मर गया, तो फिर स्वप्ना का इंटरव्यू किसने किया? स्वप्ना को मारा किसने? वो मिस हुई लड़की को तुमने देखा था क्या? नो सर। वो दोनों हैदराबाद से ही आए थे क्या? यस सर। लड़की पहले मिस हो गई थी फिर मिल गई थी, उस वक्त तुमने देखा था क्या? नो सर। एटलीस्ट फोटो तो देखा होगा। तो फिर तुमने भरोसा कैसे कर लिया रुद्राणी? वो जैसा जैसा कह रहा था वैसा ही हो रहा था सर, इसलिए। तुम एक काम करो, पहले उस गेस्ट हाउस में जाओ। वो लोग कहां से आए हुए थे, कितने दिन रुके थे और उन्होंने क्या क्या किया सब कुछ पता लगाओ। ओके सर। गो। चाचा। बोलिए मैडम। यहाँ पे कोई लड़का लड़की रहने आए थे क्या? लड़का आया था, लड़की कोई नहीं आई मैडम। हेलो सर। बोलो। लड़की कोई नहीं आई थी, सिर्फ लड़का आया था और वो कल चला भी गया। और एक बात ये है कि मेरी कार यहीं पे है। गाड़ी लेके तुम स्टेशन आ जाओ। ओके सर, तुम चले जाओ। सबका फिंगरप्रिंट्स चेक किया, मैच नहीं हो रहा है। किस पे शक किया जाए समझ नहीं आ रहा है। अब हमारे पास बचा है दिखाई न देने वाली लड़की और दिखाई न देने वाला लड़का। उनके फिंगरप्रिंट्स है क्या? नहीं है सर। गन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे क्या? चेक किए थे सर, उस पर भी मैडम के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। हाउ? तुम्हारी जीप ले गया था ना, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे क्या? वो गेस्ट हाउस से जीप मैं खुद ही ड्राइव करके लेकर आई हूँ सर। अरकू के अलावा पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। देख रहे हैं सर, फिंगरप्रिंट्स चेक करो। ओके सर।
आपने जो फिंगरप्रिंट चेक करने को कहा था वो और स्पॉट में मिले फिंगरप्रिंट एक ही हैं। You can go. Okay, sir. एक आदमी आया और उसी ने मर्डर किया, उसी ने इन्वेस्टिगेट किया और एक कहानी सुनाई, तुम्हें बेवकूफ और हमें बकरा बना के चला गया। मतलब ये सब कहानी थी? अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आया रुद्राणी? He is the killer. हम हैदराबाद से आए हैं मैडम। यहाँ आने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड मिस हो गई है। वो साइको किलर है, इसलिए हर बार जब वो मर्डर करता है तो क्लू छोड़ते हुए चैलेंज करते हुए जा रहा है मैडम। उस लड़की के फोटो में कहीं हेयरपिन नहीं है। तीसरा मर्डर जहाँ पर हुआ वो प्लेस है बटरफ्लाई सेंचुरी। उसने जो हमें क्लू दिया वो है नेक्स्ट मर्डर होने वाला प्लेस। ऑलरेडी 7 मर्डर्स हो चुके हैं। नहीं मैडम, 8 मर्डर और एक मर्डर होकर 2-3 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर भी क्लू छोड़ा होगा क्या? दीक्षा को मेरी आंखों के सामने ही किडनैप कर लिया। मेरी लवर का अब क्या होगा मैडम? उसे भी मार डालेंगे क्या वो लोग? वो मेरी जान है, उसे अगर कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा पता है आपको? वैसे भी आप लोग उसे GPS लगा कर भेजोगे तो उसे पता नहीं चलेगा। ये अगर उसे पता चलेगा तो वो हमारे साथ फुटबॉल खेलेगा। जो मर गया उसे हमारा क्या काम? ये गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करते हुए हमारे अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। इसका मतलब दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। क्या ढूंढ रहे हो तुम? उन्होंने कोई ना कोई क्लू तो छोड़ा ही होगा। मुझे आपकी कार की जरूरत है। उसे एक बार फोन करो। फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ऑफ कोर्स, मैं जानता था तुम लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है। थोड़ा सेंटीमेंट के साथ बात करो तो आंख बंद करके भरोसा कर लेती हो। कीप ट्राइंग। नंबर लास्ट कहां एक्टिव था वो पता करो। पापा पापा पापा, प्रगति प्रगति, माँ माँ माँ, ये क्या हुआ माँ? पापा पापा, क्या हुआ पापा? पापा 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 पापा, मा, 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 पापा, 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 भैया तू पागल हो गया है क्या? बाबा असल में हुआ क्या है वो? तुझे ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। गलती करने वाली वो है। कहां पर है वो? Shh.
बताओगे कि ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तूने ये सब किया क्यों? तेरी वजह से हमारी इज्जत चली गई, मेरी माँ पापा बहन सब के सब मर गए, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सिगरेट है क्या? और ये रस्सी कौन खोलेगा? अरे खोलो ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पकड़ी गई इसलिए गुनहगार बन गई। अगर मैं पकड़ी नहीं गई होती तो मैं भी अच्छी इंसानी थी। अब ये तेरी बीवी है, तू जब बाहर जाता है तो ये क्या क्या करती है, किसके साथ घूमती है, तुझे पता है क्या? इससे ज्यादा तुम लोग क्या करोगे? वैसे भी सारी गलती तेरी ही है, रोज लेट आता था ना, तो उस दिन जल्दी क्यों आ गया? तू अगर नहीं आया होता तो तेरी माँ बाप बहन अभी सब जिंदा होते और ये सब कुछ नहीं होता, सब लोग खुशी से रहते। शर्म नहीं आती तुझे? समझ में आ रहा है क्या बकवास कर रही है तू? तेरे जैसी को तो क्यों मार डालेगा क्या? मारने वाला होता तो उसी दिन मार डालता। वैसे भी तुझ में इतना दम नहीं है, चल मार दे मार दे, मारने के अलावा तू कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। अगर ये नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा। अच्छा मार डालेगा तो सब खत्म हो जाएगा क्या? मुझ जैसे लोग तो भरे पड़े हैं, सबको मार डालेगा क्या? मार पाएगा क्या? हाँ? ये बात तो जैसे भले कितने भी लोग क्यों ना हो, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। प्रभाकर उठो उठो। Yeah.